कंकेव मिरर इमेज की पोजीशन, अलग अलग पोजीशन, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो ये हमने मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, पोल है, ये फोकल पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर मैं एक वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट साइड में इन्फिनिटिव है और इसके राइट साइड में फाइनाइट डिस्टेंस है। पहली पोजीशन जो होती है इन्फिनिटिव पे रखा है, ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन है इन्फिनिटिव, इमेज की जो पहली पोजीशन होगी वो फोकल पॉइंट पे होगी और ये इमेज बहुत छोटी होगी, बहुत टाइनी इमेज होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी मतलब इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी होगी, बहुत टाइनी होगी। ये पहली पोजीशन है इसलिए O1 यूज़ किया है और पहली इमेज बन रही है इसलिए I1 यूज़ किया है, पहले ऑब्जेक्ट की पहली इमेज। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा नज़दीक आ जाए, इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज़ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑब्जेक्ट जितने हाइट का है उतना ही हाइट का रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट O2 की जो इमेज बनेगी अब फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, लेकिन इस बार इमेज की साइज थोड़ी बड़ी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड ही होगी लेकिन इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट मूव करके आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और नज़दीक आ गया है, ऑब्जेक्ट की साइज तो बदली नहीं लेकिन इमेज की साइज़ थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और इमेज की जो पोजीशन होगी अब I3 कही जाएगी, क्योंकि ये I3 इमेज O3 ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी उतनी बड़ी इमेज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वहीं पे इमेज बनेगी और सेम साइज़ की इमेज बनेगी O3 के लिए। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा और नज़दीक आ जाए O4 पोजीशन पे तो इमेज और थोड़ी सी दूर हो जाएगी लेकिन और बड़ी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है लेकिन साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ये इमेज की साइज थोड़ी बड़ी है इस केस में और थोड़ा और दूर चली गई, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है इमेज दूर होती जा रही है मिरर से, ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आ रहा है लेकिन इमेज जो है ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है लेकिन साइज उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया हमने फोकल पॉइंट पे, ये O5 पोजीशन है, अब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, I5 यहाँ बनी और ये इन्फिनिटी पे बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे, उसलिए इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्वर्टेड है, ये ध्यान रखना है। पांचों केसेस, फर्स्ट 5 केसेस में इमेज हर केस में उल्टी बन रही है यानी इन्वर्टेड बन रही है और हर बार जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है इमेज की साइज़ बढ़ती जा रही है लेकिन इमेज दूर होती जा रही है मिरर से। छठा केस जिसमें ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है इसको O6 पोजीशन कहते हैं, इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बनती है लेकिन वर्चुअल बनती है। फर्स्ट 5 केसेस में 1-5 इमेज रियल बन रही है लेकिन इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन 6th केस में इमेज वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट मीन्स सीधा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट 5 केसेस में इमेज रियल इमेज है, 6th हाँ इमेज इन्वर्टेड है और रियल है, 6th केस में इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा। रियल इमेज तभी बनती है रिफ्लेक्शन के केस में जब रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्ज कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो रियल इमेज बनाएगी और रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्ज कर रही है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी। हाँ, तो ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में बैठाना है। और 6 केसेस हैं, फर्स्ट 5 केसेस में यानी रियल बन रही है, इसका क्या मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे पांचों केसेस में रेज कन्वर्ज कर रही होंगी और फिजिकल दुनिया में बन रही है इसलिए मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज करती है तो रियल इमेज, अगर वो डाइवर्ज कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद तो वर्चुअल इमेज।